दूसरा दूसरा कुछ दूसरा कुछ ऑप्शन है तो मुझे मुझे तो मूव कर दो। हाँ हाँ क्या बोले सब कई कुछ हाँ उसको आने दे उसमें नहीं वो तो यहाँ पे वैसा तो यहाँ पे चेयरमैन को दे रहे उसको आ जाती है। आज मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आया था, जैसा कि कल मैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल से ये मैसेज दिया था कि आज आकर मैं मस्जिद जागीरदार जो मोइनाबाद पे है, जिसको शहीद कर दिया गया था, उसके एक्यूज्ड की फ़ोटो तमाम लोगों के सामने शाया करूंगा। मैं कंटिन्यूसली सीपी साहब को फॉलो कर रहा था और डीसीपी साहब को फॉलो कर रहा था राजेंद्र नगर, तो मोहंती साहब मेरे को एक A1 की फ़ोटो दिए हैं और मैं वो फ़ोटो आप तमाम के सामने बता रहा हूँ और मैं ये चेयरमैन साहब को भी दिया। ये फ़ोटो बताने का मकसद ये है कि इसकी फ़ोटो को बैतुल खला के पास लगाइए, बैतुल खला जाने के जगह पे लगाइए, ताकि ये कोई मज़हब का भी आदमी नहीं होता मेरी नज़र में, क्योंकि एक इबादतगाह को तोड़ने वाला लालची आदमी कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता। हम ऐसे नहीं हैं कि कोई अगर कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है सो वाला भी अगर कुछ कर दिया तो कौम को बदनाम करे, हम जो करा उसको ही बोलेंगे। तो मैं कांग्रेस का एक लीडर होते हुए भी आकर बराबर इसको परस्यू करा हूँ और अल्लाह के घरों के वास्ते हम बराबर रहते हैं। यहाँ पे चेयरमैन साहब भी हमको कंटिन्यूसली अपडेट देते जा रहे हैं। मैं आवाम को यही बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा इसीलिए नहीं आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे हर चीज़ का अपडेट इसीलिए नहीं दे रहे हैं ताकि हमारे काम में खलल ना हो और हमारा काम ख़राब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मस्जिद वहीं पे बन रही है, उसी जगह पे बन रही है, काम चल रहा है, बिल्कुल बहुत अनकरीब हम आप तमाम के साथ वहाँ पर नमाज अदा करेंगे, ये हकीकत है। और सोशल मीडिया पे जो ये सोशल मीडिया के पहलवाना रहते, जिनका कोई अता रहता ना पता रहता, किसी किसी की फ़ोटो लगा दे के कुछ भी कमेंट्स मार देते, किसी पे भी तलखीत कर देते हैं, तो मैं वो भाइयों को भी बोल रहा हूँ, मेरे भाई प्रैक्टिकली मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तमाम हम लोगों का नंबर है, आप कॉल करके हमको बिल्कुल पूछ सकते हैं, हर चीज़ के बारे में आप हमारे से पूछ सकते हैं। खैर वो व्यूज से या लाइक से आपका कुछ घर चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह चलाइए, हम आपकी जीनत है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे को। और एक बात मैं आपको बोलूँगा कि ये मस्जिद का तो काम हो रहा है, चेयरमैन साहब से हमारा पर्सनल डिस्कशन हुआ है कि तमाम गैराबाद मसाजिद जितने तेलंगाना में हैं उसका पूरा एक अपडेट लेंगे। जो जो लोग वक्फ की फ़िक्र रखते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से रहो, एक्टिविस्ट रहो, कोई भी रहो, उनको एक कल या परसों में अजमतुल्ला साहब की सदारत में एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे और एक टीम बनाकर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक प्राइवेट टीम बनाकर ये मस्जिदों को फाइंड आउट करते हुए इसके लिए जो सेफगार्ड हो सकता है वो सेफगार्ड का काम करेंगे। नेक्स्ट तमाम लोगों को मैं यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि हुकूमत आ गई उस्मान खान रीचेबल नहीं है और अजमतुल्ला हुसैनी रीचेबल नहीं है या खुसरो पाशा साहब रीचेबल नहीं है या ताहिर बिन हमदान साहब रीचेबल नहीं है या उबैदुल्ला कोतवाल साहब रीचेबल नहीं है या शबीर अली साहब रीचेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, हम रीचेबल है। आपकी जो भी पैरवी है या जो भी प्रॉब्लम्स है आप बराबर हमारे पास लेके आ सकते हैं, उसको हम आपके साथ लेके जाकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे बोलने पर हमारे तयखून देने पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने वोट दिया और हुकूमत आई, तो हम बराबर आपके साथ है और बराबर आपके दरमियान में रहकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपका वोट ले लिए, ये TRS की गवर्नमेंट नहीं है, ये रेवंत रेड्डी साहब की गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हम हर वक्त आपके दरमियान में रहकर काम करेंगे, कोई भागने वाले नहीं है, कोई हम छुपने वाले नहीं है। जी साहब, ये जो शख्स है इसका ताल्लुक कौन सी पार्टी से, कौन सी सियासी पार्टी से और उसका मकसद क्या था? देखिए मेरा काम है फोटो देना, फोटो देते कि आप लोग सबकी हिस्ट्री निकाल देते, मैं नामा बोल रहा हूँ आप लोग सुन लीजिए। एक का नाम है बुड्डम किरण कुमार रेड्डी, एक्यूज नंबर 1 है ये। दूसरा है रामाकृष्ण प्रसाद, ये एक्यूज नंबर 2 है। तीसरा है चंद्र राव। चौथा है आपके विक्रपल्ली हरीश। ये 4 जने हैं। ये 4 जने में से 2 जने सैदाबाद के हैं जो अर्थ मूवर्स का काम करते हैं, JCP का कुछ इनका वो है। ये लोग है, देखिए एक मजबूत मस्जिद को सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में तोड़ना ये कोई मज़हब के लोग मेरी नज़र में हो नहीं सकते।
ये समाज के भी दुश्मन है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, इनकी फोटो एक्सपोज कर रहा हूँ, इनकी फोटो देख लीजिए आप लोग। ये इसकी फोटो जितना हो सका बैतुल खलाओं पे लगाइए, ताकि इसके जो भी दोस्त वगैरह रहे इसको बोलना कि क्यों भाई तू एक इबादतगाह को शहीद करके पैसे कमा रहा था, तेरा माजी क्या था, तू कौन है, ऐसे पैसे कमाने वाला तू हमारा दोस्त नहीं हो सकता, तू हमारा रिश्तेदार नहीं हो सकता, तू हमारा बेटा नहीं हो सकता बोल के ऐसा होना, ताकि दूसरी वक्त अगर कोई करेंगे तो हम उसकी फोटो ऐसी जगह पे लगाएंगे जिसके बारे में मैं मीडिया में बोल नहीं सकता हूँ। तो मैं आप तमाम से यही बात बोल रहा हूँ कि इसकी फोटो को देखिए आप लोग, ये किरण कुमार है, पैसों की लालच में ये एक जागीरदार जो खूबसूरत तीन खाना मस्जिद थी उसको शहीद करा। तो आप मीडिया से भी यही बोल रहे हो कि बिल मुशाफा हम आपके दरमियान में हैं, कोई भी चीज़ रहो आप बोलिए, मस्जिद इंशाल्लाह बहुत ही जल्द